व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बरकत मार्केट लाहौर, जहां पे बहुत से फूड पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने आपको खिलाना है कुछ स्पेशल। वो क्या है आइए आपको बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना वो एक फुल स्ट्रीट फूड का जो है ना वो हमें माहौल मिल रहा है। बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन जिनको आज हम कवर करने लगे हैं वो है किंग्स स्टेक। इनके पास बर्गर्स भी हैं, स्टेक्स भी हैं, और भी बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ स्पेशल है और लोगों को क्या चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी लगती है। आइए मेरे साथ। यहाँ के ऑनर रफी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट जो है वो शुरू हुआ और माशाल्लाह फुल टाइम यहाँ पे रश जो है वो इस टाइम लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि इस पॉइंट को कितना अर्सा हो चुका है? इसको 10-11 साल हो गए। स्टार्ट किया था बिरयानी किंग के नाम से, फिर फास्ट फूड एंटर हुआ, और अब कुछ 3-4 साल से ये हमारी ग्रिल स्टेक के जो एक फेमस आइटम हुई लाहौर की, आउट ऑफ लाहौर यानी आउट ऑफ सिटी दूर दूर से लोग खाने आते हैं, इसको ग्रिल चिकन स्टेक कहते हैं, और ये माशाल्लाह रश आप देख रहे हैं उसी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है रश, यहाँ पे आप जिस भी दिन आएंगे आपको रश किसी तरह मिलेगा। और 10-11 साल की इनकी मेहनत है, इन्होंने बिरयानी पॉइंट से शुरू किया था, तो बिरयानी के बाद ये स्टेक वगैरह जो है ये किस तरह आइडिया आया कि हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ हर टाइम का ईरा होता है। इसी तरह बिरयानी का टाइम था, पिज्ज़ा का टाइम था, फिर जिंगर बहुत हाईलाइट हुआ, ग्रिल बर्गर आ गया। इसी तरह ये उसी से रिलेटेड एक फूड है कि जो एक स्टूडेंट पैकेज में हम दे रहे होते हैं, इसको प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा रेसिपी का है। तो इसको बेसिक हमने देखा कि जो स्टेक्स होती है, जैसे लाहौर में हमारे MM आलम रोड पर 2,000 से 3,000 का एक स्टेक, वो एक स्टूडेंट पैकेज में नहीं आता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक डिश मुतारफ करवाएं कि जो स्टूडेंट पैकेज में हो, मतलब कि इकोनॉमिकल प्राइस में हो, ताकि हर कोई उसे खा सके, एंजॉय कर सके, टेस्ट भी हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टेक यहाँ पर मिल रही है, लोग खा रहे हैं, बिरयानी भी है, बर्गर भी है आपके पास, कौन से आइटम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? भाई इस वक्त तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये हमारा ग्रिल चिकन स्टेक है। अच्छा, उसके बाद हमारे सैंडविचेज अच्छे होते हैं, और बिरयानी एज यूजुअल के जिस नाम से था बिरयानी किंग, तो लोग इस नाम से भी जानते हैं। अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता उसी नाम को चेंज करते हुए स्टेक किंग पे आ गया, क्योंकि स्टेक इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट, जो ज़्यादा सेल होने वाली आइटम वो स्टेक। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम बरकत मार्केट की बात करें और यहाँ फूड पॉइंट की बात करें, तो स्टेक किंग का नाम जो है ना वो लाजमी आता है। तो आज मैंने भी सोचा कि हम चलते हैं, ज़रा डिस्कवर करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बिरयानी से आपने शुरू किया था, तो वो रेसिपी किसकी थी बिरयानी की? देखिए, रेसिपी तो मतलब हर शॉप की अपनी अपनी होती है। नहीं, मतलब कि आपकी अपनी खुद रेसिपी थी या वर्कर्स वगैरह ने ही मिलके जो है वो बनाई थी? ये हमारी अपनी ही रेसिपी थी, मतलब कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स ये करते रहे काम, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते करते इन सारी चीज़ों को हमने खुद साख कर डेवलप किया। जिस तरह ये स्टेक्स हैं, इसकी जो सॉसेज हैं वो हमारी सेल्फ मेड है। अच्छा, और इसीलिए दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है कि लोग ऐसी सॉस नहीं बना पाते। कॉपी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस मार्केट में 20 बंदे कॉपी करने वाले हैं, लेकिन ये चीज नहीं बना पाते, मतलब वो टेस्ट यहाँ पर ही मिलेगा सर, बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जब शुरू किया था, जिस दिन आपका फर्स्ट डे था, कुछ याद है कितनी बिरयानी बना के लाए थे घर से? ये हमारा देखें जी, दो पोर्शन है, एक बिरयानी का पोर्शन और एक हमारा स्टेक का पोर्शन। अब माशाल्लाह जब बिरयानी स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट डे से, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ये इतना हल्ला गुल्ला नहीं था, उस वक्त हम नज़र आने वाले थे। फर्स्ट डे से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, कि अब ये प्लेट्स का बताना तो मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट डे से हमें अच्छा रिस्पांस मिला। इसी मतलब तरह कोई एक याद हो कि यार 10 किलो थे, कितने किलो चावल थे, ताकि पता चल सके कि किस लेवल से आपने शुरू किया और आज माशाल्लाह यहाँ पे फुल टाइम लगा हुआ है। उसका ये देखिए, जब हम एक देख बना के लाए थे, तो जिस तरह सारे दुकानदार करते हैं, तो वो बांटते हैं, खिलाते हैं, एक दो देग हमने पहले बांटी, उसके बाद जब हमने सेल स्टार्ट की, तो मेरे ख्याल में 2-2.5 पतीले हमारे 2-2.5 देग लगी थी उस दिन पहले दिन। आपकी माशाल्लाह, तो आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 6, 8 ये बढ़ता गया,
तो अल्लाह का करम है फिर हम आगे फास्ट फूड की तरफ। तो इस वक्त जो इस मार्केट में लाहौर में पंजाब में या आपने सोशल मीडिया पे देखा सबसे ज्यादा वायरल हमारी ये डिश, इसको ग्रिल चिकन स्टेक कहते हैं, तो इसकी काफी हाइप है। बिल्कुल, तो अब ये लोग दूर दूर से खाने आते हैं। अब हमारा बिरयानी का नाम वो बिरयानी किंग से स्टेक किंग पे चला गया, इसीलिए कन्वर्ट हो गया, स्टेक ने उसकी जगह ले ली है। तो फास्ट फूड ने सारी चीजें दोपहर में भी होती है, रात में। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो है वो रश फुल टाइम लगा हुआ है, इन्होंने मेहनत की। 10 साल पहले बिरयानी से ये पॉइंट शुरू हुआ था, उसके बाद अब बर्गर्स भी हैं, बिरयानी भी है, और किंग स्टेक का नाम तो पूरे लाहौर में जो है ना वो चलता है, बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं तो यहाँ पे लाजमी खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बरकत मार्केट जाते हैं, जरा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। बहुत बारबेक्यू हमने खा लिए, कबाब खा लिए, जरा आज स्टेक का मूड था। तो अगर आपका भी दिल करेगा तो आपने भी यहाँ पर ही आना है अभी, बल्कि मैं टेस्ट करके आपको रिव्यू भी दूंगा और लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर उन्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। आई मेरे जी, मुझे बताएं कब से आ रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें इनकी आपने ट्राई की हैं, क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगती है यहाँ? हमको तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से आ रहे हैं और इनका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त है। हमें स्पेशलिटी जो इनकी लगती है ना वो लोडेड फ्राइज है। लोडेड फ्राइज बड़ी जगह पे ट्राई की हैं लेकिन इनकी सबसे बेस्ट है। 300 नॉर्मल रेट है हर जगह के ऊपर, और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ग्रिल बर्गर हो या जिंगर हो 300 में आपको देते हैं, और इसमें क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों बहुत अच्छी हैं।